यहाँ पे देसी मुर्गा बहुत ही फेमस है, जो बिल्कुल घर का देसी मुर्गा, इन्होंने अपने फार्म रखा हुआ है, फार्म हाउस में प्योर देसी मुर्गा। अच्छा, जीरा और दालचीनी डालने जा रहे हैं भैया, पेस्ट अदरक लहसुन प्याज सब मिक्स, ये अनियन गार्लिक और जिंजर की पेस्ट है, यानी कि अदरक लहसुन और प्याज की, विलेज एरिया में कुकिंग हो रही है देसी मुर्गे की, थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन के साथ कह सकते हैं। 5-6 मिनट ये जो पेस्ट था इसको पकने के लिए रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि अभी पेस्ट बिल्कुल पक, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा पेस्ट लगभग प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन इसमें नमक डाला ताकि और अच्छे से भुज जाए। हमारा चिकन भी काट के आ चुका है, जैसे बिल्कुल स्टीम के साथ पेस्ट को कुकर में बनाओगे? जी हाँ जी, एक सीटी इसमें कुकर में लगेगी। अच्छा, ऐसे नहीं गलेगा क्या ये? ऐसे नहीं गलेगा, कुछ लोग तो कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन वो नहीं, जो कढ़ाई में बनाते हैं क्या वो पोल्ट्री का यूज करते हैं इसकी वजह से? उनको पोल्ट्री का यूज। अच्छा अच्छा, इसमें हल्का सा पानी, ये थोड़ी सी हल्दी आ गई, हल्दी आ गई, मिर्ची, ये आ गई जी मिर्ची, मिर्ची में कम रखना, ये मिर्ची कम ही रखना, अपना नमक भी थोड़ा सा, ये नमक आ गया, पहले से ही डाल दिया। अच्छा, ये कुकर में रख दिया भैया, एक सीटी भैया कह रहे हैं 5 मिनट लगेंगे लगवाने में, 5 मिनट के लिए इसको रखा जाएगा गैस पे। ये डाल दिया पानी, ये टमाटर पक चुके हैं, एकदम ग्रेवी पक चुकी है भैया, इसमें डाल रहा हूँ ये कसूरी मेथी हल्की जी, कसूरी मेथी हल्दी हल्की जी, और ये अपना टिक्की मसाला है, ये पहले से पीस ये पीस के हल्की सी अपनी धड़ा धड़ा मिर्च, और इसमें नमक डाल चुके हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा वो डाले, और ये आ गया अपना गर्म मसाला, ये अपना गर्म मसाला, इसमें क्या क्या डालना होता है? इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे भैया, पूरा मिक्स करेंगे, 40 मिनट से ज़्यादा हो गए, हाँ 45 मिनट लगते हैं, 45 लगभग 1.5 किलो से ऊपर ही निकलते हैं, 1.5 किलो के करीब, ये हो गया सब चिकन बन गया, और ये इसमें डाल दिया हमने, अच्छे से कर चुका है, ये होगा मैं बस इसको ऐसे ही पकाएंगे थोड़ी देर तक, ताकि इसका ये जो पानी है ग्रेवी है ये थोड़ी सूख जाए, बिल्कुल टेंडर हो जाए और अच्छे से पक जाए, होता है स्पेशल काट के ऑर्डर पे ही बनाते हैं, ताजा बनाते हैं और उसी टाइम पे बनाते हैं, अच्छा बिल्कुल रखोगे काट के नहीं रखते, 2 मिनट और देखिए कैसे उबाल आ रहा है इसमें चिकन में, देसी मुर्गा प्योर देसी मुर्गा प्रिपेयर हो चुका है, ये पूरा रेडी हो चुका है, और ये गार्निश के लिए, इसको गार्निश के लिए धनिया डाल दिया हमने, अगर किसी को कम चाहिए हो तो नहीं मिलेगा? कम नहीं है, ये पूरा ही बनता है देसी, जितना वेट होगा छोटे से छोटा होगा या बड़े से बड़ा, जितना जो खा सकता है उतना, लेकिन लगभग सारे मैं उधर देख रहा हूँ एक ही रेट के होते हैं, कोई कम से कम 1 किलो 400-150 ऐसे होता है, एक प्लेट भी कम पड़ती है इसको डालने के लिए, ये लेग पीस देखिए कितना बड़ा है ये, और ये स्किन के साथ होता है, ये भैया लगा रहे हैं हमारे लिए राइस, राइस कैसे प्लेट बताई थी भैया? 50 रुपीज़ की प्लेट है, देखिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर।